5.3, अच्छा उसका लाइन क्वेश्चन नंबर 9, 5.3 सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एफ इज 49, ऐसे लिखते हैं 7 = 49, एटा क्लियर S7 = 49 और S17 = 289 और जो बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स टू फाइंड SN SN दैट मीन्स आंसर N के रेस्पेक्ट में आएगा, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा टू फाइंड आंसर कर रहे हैं एक लाइन किस दिया फिर आंसर ओके S7 = 49 ठीक है। जो जो बच्चे फॉर्मूला भूल गया सुन लो ठीक से 7/2 N/2 2A प्लस 7 - 1 इंटू डी इक्वल्स टू 49 बात क्लियर तो क्या हुआ 49 हुआ और 2A प्लस 6D इक्वल्स टू 49 इंटू 7/2 इधर जाएगा तो क्या हुआ रेसिप्रोकल, इंग्लिश बोलते हैं रेसिप्रोकल और हिंदी में थोड़ा नॉर्मल हिंदी में बोलते उल्टा हो जाता ना ओके अपसाइड डाउन दैट इज 7 2A + 6D = 14 ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद नेक्स्ट एस इधर बेटा 17 = 289 तो 17/2 प्लस 17 - 1 इंटू डी इक्वल्स टू 289 तो 2A + 16D इक्वल्स टू 289 इंटू 2/17 ये कितने से काट देंगे बेटा यस गुड तो 34 ध्यान रखिएगा हमने अभी तक क्यू कॉमन नहीं लिया बिकॉज लेने का कोई जरूरत नहीं बिकॉज इसमें भी टू आएगा इसमें भी टू आएगा तो कैंसिल हो जाएगा ओके ठीक है बेटा 2A and 2A कैंसिल हो जाएगा ओके तो एक बार लिख देते हैं 2A + 16D = 34 और 3A + 6D = 14 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस की एनी माइनस का एनी माइनस ये कैंसिल हुआ 16B - 6 दैट इज 10D इक्वल्स टू हाउ मच 20 तो D इक्वल्स टू 2 ओके D का वैल्यू क्या हुआ 2 जिसने देखा नहीं उन लोग को पता चल गया D का वैल्यू 2 हो गया। अभी क्या फाइंड करेंगे बोलिए क्या का वैल्यू गुड तो लिख देते बेटा इसमें इक्वेशन था 2A + 6D इक्वल्स टू हाउ मच बोलिए 14 तो 2A + 6 टीका लो कितना लिखो 2 = 14 2A + 12 = 14 2A = कितना लिखो 2 A = 1 देखो कितना अच्छा कैलकुलेशन करो जल्दी जल्दी बता दिया बहुत बढ़िया। अभी SN = N/2 2A + N - 1 × D एन बोला एस एन फाइन करना है तो एन तो एन ही रहेंगे बाकी सबको पुट करेंगे N/2 + 2 × 1 × N - 1 × D N/2 2 + 2N - 2 ये कैंसिल N/2 × 2N ये भी 2 कैंसिल क्या हुआ एन स्क्वायर आंसर क्या लिखा जाए बोलिए देयरफोर सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स फर्स्ट टू एन क्लियर ये वाला कितने बच्चे का डाउट था हाथ उठाइए 9th क्वेश्चन तुम्हारा डाउट था और एक ही बच्चे का डाउट था बाकी किसी का नहीं था अच्छा ओके बहुत बढ़िया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 9th के बाद 10 आएगा अच्छा 10
क्वेश्चन नंबर 10 में कितने बच्चे का डाउट है? क्वेश्चन नंबर 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बच्चे का, ठीक है, तो 10 बच्चे का 10 क्वेश्चन में डाउट है। ओके, तो 10 क्वेश्चन क्या है? सो दैट A1, A2, N फ्रॉम एन एपी, N इज डिफाइंड एज फॉर बिलो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। ओके, तो 10 का जो फर्स्ट हम लोग का इसे लिखा है N इक्वल्स टू 3 प्लस 4N। अभी हम लोग को फाइंड करना है टू फाइंड SN, दैट मीन्स का दो पार्ट है, एक पार्ट सॉल्व करने से हो जाएगा आंसर नहीं। AN इक्वल्स 3 प्लस 4N, 3 प्लस 4N। A1 एक तो इजी मेथड होता है लेकिन लेंथी होती है, 3 प्लस 4 दैट इज 7। A2 3 प्लस 4 इंटू 2 3 प्लस 8 दैट इज 11। तो यदि में डी इक्वल्स टू A2 माइनस A1, तो जानते हो डी A2 माइनस A1, A2 क्या है 11, A1 क्या 7, दैट विल बी 4। डी के बाद कितना हुआ 4 के बाद 15 फाइंड करना S15 इक्वल्स टू 15/2, सीधा दिखा देते का 3 प्लस S15, तो थोड़ा जाएगा कम, मैं तो इसे लिख रहा हूं, नहीं आता है तो फिर पता नहीं है, 3 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 2। बेटा देखना ये बोला आ रहा है कि नहीं, तो कैंसल। बेटा यहां तक नोट डाउन हो गया, ये बोला हो गया, ओके तो साफ कर देते, नहीं होता है तो फिर बाद में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा सिलेबस में इधर। अच्छा बेटा इधर से हटा दिया तो इधर के शिफ्ट होकर इधर आ गया, S15 इक्वल टू 15/2, A+15-1 × D, 15/2, एक आलो कितना बोलो 7। A1 मीन्स क्या होता है? फर्स्ट टर्म, लेट्स से A1 इज फर्स्ट टर्म, यहां पे क्या होगा सब कर देते हैं, देयरफॉर A इक्वल्स टू 7, ठीक है ना। क्लास 14D, 14D का कितना, ओके 15/2 कितना 14, ये वाला 56, 15/2 कितना हुआ 70, 35, 15 × 35 कितना होते हैं 525 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
और कुछ में बहुत असंबल होता है। जो तुम्हारे नेक्स्ट 11 क्वेश्चन में कम है, इधर वाला सब कर दे, इसमें लिख देते हैं फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड होती है, इसके बाद सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड को एक बार समझाते हैं, उसमें जल्दी जल्दी आंसर है। सेकेंड मेथड,
इसके लिए, और क्वेश्चन नंबर कौन सा, टेन, क्वेश्चन नंबर टेन के लिए सेकेंड में थे। ओके, अभी देखो इस जगह पे एसएन का वैल्यूज फाइंड करने बोला, एसएन, ओके, एसएन इक्वल्स टू 15 दिया है, तो एक्चुअली क्या है, यहां से तुम्हारा डी का वैल्यूज तुम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो, डी का वैल्यूज डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो, ओके, क्लियर। और ए का वैल्यूज बिगिनिंग में आ जाएंगे, बी इक्वल टू क्या होता है, बी इक्वल टू क्या होता है बेटा, ए एन माइनस ए एन माइनस वन, डी का वैल्यू कोई भी केस में डी का वैल्यू पाई जाए। तो इससे क्या देखो, डी का वैल्यूज जो है इतना आ रहा है, कितना बेटा, ये जो ए एन, एन मतलब कितना था वहां पे, बी प्लस माइनस 3 प्लस 4 एन माइनस 1, ठीक है, एन में तो वही पुट करेंगे, एन पुट करेंगे, एन माइनस 1 होगा तो यहां पे एन माइनस 1 पुट करेंगे, क्या होगा 3 प्लस 4 एन माइनस 3 प्लस 4 एन माइनस 4, तो 3 प्लस 4 एन माइनस 3 माइनस 4 एन प्लस 4 सब काट जाता है, काट जाता है, 4 तक आ गया ना, 4 आ गया, इस तरीका से भी होते हैं, कौन डिफिकल्ट लगता है तो करने का जरूरत नहीं है। अभी देखो यहां पे दिया था ए, ए का वैल्यू सब लोग डायरेक्टली फाइंड कर लेंगे, ए वन से, ए किसका वैल्यू फाइंड हुआ, डी का वैल्यूज डायरेक्ट फाइंड, या हमें जैसे एक एक करके फाइंड करते हैं तो वहां पे डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे। अभी ए वन, ए वन यहां से फिर आ जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 1 दैट इज 7, ए का वैल्यू 7 आ गया, क्लियर बेटा। उसके बाद एस का वैल्यूज निकाल लो, एस का वैल्यूज क्या हुआ, दैट इज एस 15, 15 बाई 2 ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू 2, एन की जगह कितना 15, तो 15 बाई 2 2 इंटू 7 प्लस 14 डी, कोई चीज आ जाएंगे, डायरेक्ट आप लोगों को कैलकुलेशन करके रखा 520, ओके, क्लियर। अभी देखो एक ही आंसर आया, ओनली ए बोला थोड़ा छोटा हो गया, डी का वैल्यू डायरेक्ट एन से ए एन माइनस 1 पुट करेंगे डायरेक्ट, ओके। और एक मेथड होता है बिना डी फाइंड करके भी होगा, विदाउट फाइंडिंग डी वी कैन फाइंड, ओके, सब करें। तो तीसरा मेथड लिख देता हूं फॉर क्वेश्चन, तो क्या होगा ना, फॉर्मूला तुमको बहुत अच्छा से आ जाएगा, फॉर क्वेश्चन 10 हार्ड मेथड, ओके, एकदम डायरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट कैसे, एस 15 इक्वल्स टू 15 बाई 2 ए प्लस ए 15 है ना, ए प्लस एन वाला, ठीक है, तो देखो 15 बाई 2 एक आदमी कितना बेटा, ये जो फर्स्ट में ए वन और ए 15 1 मतलब यहां पर पुट कर देते 3 प्लस 4 इंटू 1 ब्रैकेट प्लस 3 प्लस 4 इंटू 15 ब्रैकेट, तो 15 बाई 2 एक कितना 7, एक कितना 63, तो कितना 15 बाई 2 इंटू 70 काट गया 35, और तुमने बोला था 525। देखो ये वाला जो मेथड है ना, इतना छोटा सा मिनी मेथड है ना, अच्छा मेरा स्क्वायर ठीक से नहीं बना बेटा, ये वाला कौन सा फॉर्मूला,
n by 2 to a plus n minus 1 into t. और एक इससे मिनीएस्ट मेथड था डायरेक्ट आंसर. ओके तो इस क्वेश्चन में क्या होगा डी का डी जो है डायरेक्ट फाइंड हो जाती है और इसमें डी फाइंड करने का कोई जरूरत नहीं पड़ता. जब कोई तुम एनटीएसी वगैरह एग्जाम का कोई आते हैं इसमें डायरेक्ट अप्लाई कर दे सकते हैं. ओके अच्छा बताओ तुम लोगों से कोई कहते तीन तीन मेथड में इसको सोच तो जब तुम लोग नहीं करता तब साथ साथ तुम लोग का कॉन्सेप्ट कभी भी क्लियर नहीं होता. चलिए फॉर्मूला मैंने बताया. ओके चलो तुम लोग का आसन में तो नहीं बोला लगा टेंथ का फर्स्ट पक्ष इसी में कर लो इसी में ज्यादा तीसरे करो इसी में. ओके नेक्स्ट इसमें तुम लोग को काम दे रहा हूं जब इतने सारे कॉन्सेप्ट बता दिया क्वेश्चन नंबर 11 को जल्दी से कर दो. मैं बीच में 5 मिनट जाते रहा क्वेश्चन नंबर 11. अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है और एक पार्ट ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 9 था क्वेश्चन नंबर 10 इसमें एपी प्रूव करना है और इसमें एपी गिवन है. तो नेचुरली हम लोग 10 क्वेश्चन में भी एपी प्रूव करना है. एपी प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है 10 क्वेश्चन में देखो इसे का मिलेगा ना 4 विच इज कॉन्स्टेंट. कॉन्स्टेंट मीन्स वो एन के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं कोई जगह पे मान लो कॉमन डिफरेंस 4n 5n ऐसा आता है तो एपी में नहीं होगा बिकॉज n के वैल्यू चेंज होगा तो d के वैल्यू भी चेंज होगा. लेकिन यहाँ पे d के वैल्यू कितना है 4 आया दैट मीन्स इट इज कॉन्स्टेंट. दूसरे केस में भी यही चीज कर दिया कोई चीज कॉन्स्टेंट इट फॉर्म्स एन एपी उसके बाद आएगा इधर जाओ इधर जाने जाओ कोई भी तरीका से सॉल्व हो जाएगा. जब कोई एपी देते तो डायरेक्ट कर लेंगे जब एपी नहीं दिया वी हैव टू प्रूव. एपी प्रूव करना मतलब कॉमन डिफरेंस को कॉन्स्टेंट प्रूव करना पड़ते हैं. अंडरस्टूड. अच्छा नेक्स्ट अभी क्वेश्चन नंबर 11 तुम लोग कोई नहीं कर पाए कैसे क्यों सब कर दू. क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा ठीक से वहां पे जो क्वेश्चन नंबर 11 का जो मेन वर्ड है वो है सिमिलरली. सिमिलरली यू हैव टू फाइंड थर्ड टेंथ एंड नाइन्थ. सिमिलरली यू हैव टू फाइंड जो मान लो कि क्वेश्चन में जो गिवन था एस एन इक्वल्स टू 4n माइनस एन प्लस 5 एस एन का वैल्यू फर्स्ट में तुमको एस वन फाइंड करना एस टू फाइंड करना. ओके उसके बाद एस दैट इज एन फाइंड पहले ये दोनों फाइंड करना. फाइंड करने के बाद सिमिलरली जो है क्या क्या फाइंड करना है ए थ्री ए टेन और ए एन ध्यान रखिएगा. ओके तो अभी ये एपी में दिया है तो आंसर करते हैं एस एन इक्वल्स टू 4n माइनस एन का स्क्वायर एस वन. देखो कि अभी भी कोई भी बच्चे पहले भी नहीं कर पाए दूसरे बार भी नहीं कर पाओगे जब हम इसका टेस्ट करेंगे. पहले जब क्वेश्चन करने देते हैं ओके जब टाइम खत्म हो जाते हैं ना और बोलने का जरूरत नहीं पड़ती कि हो गया नहीं हुआ ठीक है तो उसके बाद देख लेते हैं कि तुम्हारा मिस्टेक क्या हुआ. यही तुम लोग का कमजोरी है इसलिए तुम लोग को सिलेबस टाइम में कोई बच्चे का खत्म नहीं है बिकॉज जब क्वेश्चन कर लेते टाइम खत्म हो गया उसके बाद मैच कर लो तुम्हारा काम मिस्टेक हुआ. पहली मिस्टेक ये हुआ कि तुम टाइम में जमा नहीं कर पाए. दूसरा मिस्टेक क्या हुआ जब टीचर ने सॉल्व किया उसको तुमने देखा ही नहीं फिर जब टेस्ट दिया तब नंबर आया और नहीं तो इसके बाद एक क्वेश्चन देंगे वो भी देखो तो गलत हो जाएगा. ओके अच्छा देखिए 4 - 1 दैट इज एस वन. एस वन मतलब एक टर्म का सम दैट इज इज फर्स्ट. ओके एस वन मतलब एक टर्म का सम एक टर्म मतलब फर्स्ट टर्म देयरफॉर ए वन इक्वल्स टू 3. ओके फर्स्ट टर्म एस वन. एस वन हम तुमको लिख के दिखाता हूं एस वन का मतलब क्या होता है.
ये देखो ए वन है, ए टू है, ए थ्री है, ए फोर है, यहाँ तक ए एन है। ये वाला क्या होगा, एस वन है। अभी ए वन है, ए टू दूसरे लिखेंगे तो वाला क्या होगा, एस टू है। थ्री तक लिखेंगे तो एस थ्री है। ठीक है बेटा, अंडरस्टूड। तो ये जो तीनों का सम होगा तो इसका क्या बोलेंगे, एस थ्री। और सभी हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, एस एन। ठीक है बेटा। अच्छा ए वन का बैलेंस कितना होगा, थ्री। अभी देखो क्वेश्चन में जो पूछा था, क्वेश्चन में जैसे पूछा गया उसी के अकॉर्डिंग आंसर करोगे। फर्स्ट में पूछा व्हाट इज फास्टर, ओके, देयरफॉर फास्टर इक्वल्स टू थ्री। ओके नेक्स्ट, बहुत सारे पार्ट्स, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इक्वल्स टू क्या होता है, एस टू। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इक्वल्स टू क्या होता है, एस टू। हम लोग एस एन का वैल्यू दिया था, एस एन इक्वल्स टू फोर एन माइनस एन का स्क्वायर। एस टू इक्वल्स टू फोर इंटू टू माइनस टू का स्क्वायर, एट माइनस फोर दैट इज फोर। एस एस टू का वैल्यू कितना हुआ, फोर। अभी एस टू मीन्स क्या होता है, ए वन प्लस ए टू इक्वल्स टू फोर। अभी ए वन प्लस ए टू से ए वन को माइनस कर दें तो क्या हो जाएंगे, ए टू आ जाएंगे। That means क्या होगा, एस टू माइनस एस वन। एस टू का वैल्यू कितना, फोर। फोर माइनस एस वन का वैल्यू कितना, थ्री। फोर माइनस थ्री दैट इज वन। तो उसके बाद लिखोगे देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इक्वल्स टू फोर। उसके बाद लिखा व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म इक्वल्स टू वन। ओके, जैसी फाइन करोगे इसे लिखते जाओगे, इसमें बहुत नंबर काटते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स। सिमिलरली जो हम लोग को बोला कि थर्ड टर्म ए थ्री, देखो जो ए टू होता है एस टू माइनस एस वन है, ए टू जो है एस टू माइनस एस वन है। ए थ्री मतलब क्या होगा, एस थ्री माइनस एस टू। ए थ्री मतलब क्या होगा, एस थ्री से एस टू को माइनस करना। तो अभी देखो इसमें तुम्हें पुट करना पड़ेगा फोर इंटू थ्री माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू माइनस टू का स्क्वायर। ओके, इसे कहते फोर इंटू थ्री दैट विल बी ट्वेल्व माइनस नाइन माइनस एट माइनस फोर दैट इज अवर थ्री माइनस फोर दैट विल बी माइनस वन। ए थ्री का वैल्यू। ओके नेक्स्ट देखो, सिमिलरली बोला था ए कौन सा फाइंड करना है, ए टेन फाइंड करना। ए टेन इक्वल्स टू एस टेन माइनस एस नाइन, एस टेन माइनस एस नाइन। एस टेन का वैल्यू क्या, फोर इंटू टेन माइनस टेन का स्क्वायर, फोर इंटू टेन माइनस टेन का स्क्वायर माइनस एस थ्री, फोर इंटू नाइन माइनस नाइन का स्क्वायर। ओके, इसके बाद देखिए फोर्टी माइनस हंड्रेड माइनस
36 माइनस 81 ये कितना होगा माइनस 60 माइनस ये कितना बेटा 41 माइनस कितना तो माइनस 60 प्लस 35 तो कितना रहा है माइनस 50 ओके अंडरस्टूड क्वेश्चन में मेंशन है सिमिलरली सिमिलरली मतलब इस तरीके से फाइंड करना ओके उसके बाद एसएन एसएन मतलब एन माइनस वन तो एन का भी कितना था 4n माइनस n का स्क्वायर और दूसरे वाला क्या होता 4 इंटू n माइनस वन माइनस एन माइनस वन का होल स्क्वायर इधर एन जो होते हैं उसको हम लोग अच्छा इससे अगर आएगा तो कहीं उधर कर देंगे थोड़ा इधर केवल आ गया था नहीं आ गया आगे नहीं आए अच्छा उसके बाद ऐसे नहीं कॉस्ट टू एन माइनस ए एन माइनस वन ये वाला फाइन कर लो तो एन की जगह मैं इधर कर देता हूँ देख बेटा आ जाएगा यहां से कर इस एन की जगह पे 4n माइनस n का स्क्वायर माइनस 4n माइनस n का स्क्वायर ये बोला था माइनस एन अभी क्या लिखेंगे सेकेंड ब्रैकेट लगा देते हैं 4n माइनस वन माइनस एन माइनस वन का होल स्क्वायर तो अभी सॉल्व कर लेते हैं 4n माइनस n का स्क्वायर माइनस 4n माइनस n माइनस n का स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 तो अभी 4n आएगा माइनस एन का स्क्वायर माइनस 4n प्लस n प्लस माइनस माइनस प्लस होगा एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 कौन कौन एन स्क्वायर कैंसिल हुआ 4n कैंसिल हो गया और ये वाला कितना है 1 माइनस n बेटा एक बार चेक कर लो 5 माइनस 2 अच्छा इधर वाले में चेंज नहीं दैट इज 4n प्लस 4 आ जाएगा अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना ये वाला यहाँ पे चेंज कर लेना उसके बाद 5 माइनस 2n आएगा ठीक है और बाकी क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ध्यान रखना जब पहले वो कॉन्स्टेंट आएगा 4 विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ n दैट्स वाई इट इज इन एपी 4 लिखना जरूरी है क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 11 में सिमिलरली वर्ड लिखा है सिमिलरली मीन्स इस तरीका से फाइंड करना पड़ेगा ठीक है एनसीईआरटी के पीछे देख भी लेना जो मान लो कि देखोगे सारे आंसर उस तरीका से है मार्किंग स्कीम बनेगा तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही बनेंगे सिमिलरली वर्ड नहीं है तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा उसे बोलेगा फाइंड द कॉन्स्टेंट टर्म एंड सिमिलरली फाइंड ऑल टर्म्स ओके तो यहाँ पे जितने भी टर्म्स फाइंड करोगे इसका रिस्पेक्ट में फाइंड करना पड़ेगा ओके अब क्वेश्चन नंबर 20 ठीक है बेटा इन लोग को नहीं आए और एक बार देख ले ये जो है पोटैटो डेस एक एक पोटैटो प्लेस्ड है उसके बाद इस जगह से पोटैटो को लिफ्ट करना है फिर इसको बाकेट में रखना है तो फर्स्ट के लिए यहां से यहां तक जाएगा फिर वापस आएगा दैट विल बी 5 प्लस 5 दैट इज
10. सेकेंड इज 8, 5 प्लस 3 8 प्लस 8 दैट विल बी 16. थर्ड के लिए 5 प्लस 3 प्लस 3 5 प्लस दैट्स 22. एल वन 10, एल टू 16, एल थ्री 22. तो ऐसे लिख दिया, तो ऐसे अभी करें. ए टू माइनस ए वन 6, ए थ्री माइनस ए टू दैट इज 6. तो कॉमन डिफरेंस इज कॉन्स्टेंट, सो इट फॉर्म्स एन एफ. उसके बाद एस एन का फॉर्मूला पुट कर दो, आ जाएगा 370. टोटल डिस्टेंस इज 370 मीटर. ओके,